अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर से हाजिर आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है छोटा सा इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज पैसे निकलवाने जा रहा था, मेरे मंथली पॉकेट मनी आई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये चीज़ शेयर कर दूंगा कि यहाँ पे अगर फॉरेन कंट्री में, जैसे कि मैं किर्गिस्तान में हूँ, तो यहाँ पर पैसे वगैरह निकलवाने हों तो ये क्या सीन है और आपको ईजिली पैसे कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सारे व्लॉग में होगी, तो मेरे इस व्लॉग का एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ जी, तो सेंटर तो अभी हम पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैंकों की लाइन ही लाइन है। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पैसे रिया के थ्रू आए हैं मंथली, जो मेरा पॉकेट मनी होती है, तो अभी हम बैंक वगैरह देखते हैं कि जैसे कौन सा बैंक है जहाँ से रिया भी उनके पास हो और दूसरा ये है कि उनका जो रेट हो वो अच्छा हो, जो यहाँ पर करेंसी वगैरह की जो रेट होता है। क्योंकि आपने जब भी कहीं से भी पैसे निकलवाने हैं तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि बैंक वगैरह है कौन सा वो सपोर्ट करता है, सपोज मनीग्राम, रिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरा सीन ये देखना होता है कि जो रेट है उनका क्या रेट चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो ये यहाँ पे कांत में जो अच्छा बैंक है, जो रेट भी सही देता है, जो कि रिया को भी सपोर्ट करता है, वो है फिंका बैंक। फिंका बैंक यहाँ पे जो मेरे क्योंकि यूरो आते हैं रिया के थ्रू, मैं यूरो मंगवाता हूँ, तो उसका है 96.5 और 87.2, ये सीन चल रहा है। तो बाकी आपने ये है कि अगर आपको सपोज रेट बैंक में कहीं से भी कम मिल रहा है और उस हिसाब से नहीं है कि, तो आपने ये करना है कि आप बैंक से बेशक डॉलर्स पकड़ लें, और दूसरा ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू जहाँ पे रेट ज़्यादा मिल रहा हो वहाँ से जाके आप सोम या आपकी जो भी करेंसी है उस मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो आइए चलें अभी अंदर चलते हैं। बैंक में तो हम एंटर हो गए हैं, और दूसरा आपसे मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे भी आप रिया या मनीग्राम के थ्रू पैसे किसी से भी मंगवाते हैं, चाहे पाकिस्तान से या आपके बाहर कोई भी होता है, तो जिस तरह ये आप स्लिप देख रहे हैं इसी तरह स्लिप आएगी आपके पास, जिस तरह मेरे पास आए हैं। तो ये 200 यूरो हैं जो कि अभी मैं सामने जाऊंगा और वहाँ से उनसे मतलब यही स्लिप उनको दिखानी होती है। और हाँ जी, तो दूसरा ये होता है कि आप ये स्लिप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आपके पास ये पासपोर्ट, आपने पासपोर्ट अपना कैरी ज़रूर करना है, क्योंकि पासपोर्ट नहीं होगा तो फिर आपको ये निकाल के नहीं देंगे। और साथ अगर सपोज आपका पासपोर्ट जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट है और आप उनसे जाके पूछ लो, उनको कहें कि मैंने पैसे निकलवाने हैं अगर आपने ये किसी भी मनी एक्सचेंज के थ्रू मैंने मंगवाए हैं पैसे, तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें या अपने यूनिवर्सिटी जाके मैनेजमेंट से कि हमने पैसे निकलवाने हैं तो पासपोर्ट चाहिए। अगर वो कहें, अगर वीज़ा के लिए पासपोर्ट नहीं गया तो आपको करा देंगे, और गया है तो आप किसी भी अपने दोस्त के नाम मंगवा सकते हैं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, या आपके भाई बहन आपके साथ है तो आप उसके पासपोर्ट इसका अवेलेबल हो, आप उसके पासपोर्ट पैसे अपने मंगवाएं और यहाँ से सीधा बैंक आएँ, और फिर उसको कुछ बंदे को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिसके नाम पे पैसे आते हैं उसको साइन भी करने उसी को करने होते हैं, तो उसी के साथ आप आएँ और पैसे निकलवा के आप ले जा सकते हैं। जी, तो ये आ गया स्लिप अपनी रेडी, और ये जहाँ पे इन्होंने टिक किया यहाँ पे मुझे करने पड़ेंगे साइन, तो जल्दी से जो है साइन करते हैं। जी, तो ये स्लिप्स वगैरह हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, और अभी हमने जाना है काउंटर पे, जो कि ये जहाँ से हमें पैसे रिसीव होते हैं इस जगह, तो अभी क्योंकि अंदर कोई बैठा हुआ है तो अभी हम वेट करेंगे, तो जैसे वो आएँगे तो फिर इंशाल्लाह अंदर जाएँगे, ये स्लिप्स वगैरह उनको दिखाएँगे और पासपोर्ट देंगे, और फिर हमें पैसे जो है हमारे मिल जाएंगे। तो अभी हो गए हैं फ्री, तो अभी हम चलते हैं अंदर, और ये हम इनको सबमिट कराएंगे अभी यहाँ पे ऐसे, और इसके बाद वो अपना जो प्रोसेस है वो करते हैं, और उसके बाद हम अपने पैसे जो से हैं यहाँ से ले लेंगे। $100 $100 $100 a million other and the rest is som harsho जो टूटी फूटी मुझे यहाँ पे रशन वगैरह आती है तो थोड़ा बहुत बोल के उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं, तो ये सीन यहाँ पे है। हाँ जी, सारा प्रोसेस हो चुका है डन, और अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो मेरा पैसा पड़ा है, माल ही माल है भाई। पैसा ही पैसा होगा। स्पासिबा। और ये हमारा माल हमारे पास आ गया जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आए चलते हैं यहाँ से, दौड़ लगाते हैं जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो ये डॉलर वगैरह जो मैंने $100 भी ले लिए, और दूसरा मैंने सोम में जो चाहिए थे सोम में भी मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो अपना काम तो हो गया है। दूसरा मेरा मकसद आपसे शेयर करने का ये था कि क्योंकि जो कि न्यू कमर्स हैं, जो एडमिशन अभी ले रहे होंगे या अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनको अभी नहीं पता कि यहाँ से अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं चाहे किसी भी कंट्री में हैं, तो ये मनी एक्सचेंज वाला सीन तो चलते चलते अगर आपने पाकिस्तान से मंगवाने हैं, ठीक है, तो भी आप मनी एक्सचेंज के थ्रू मंगवा सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये सीन हो सकता है क्योंकि अगर सम टाइम एक्सचेंज वाले जो उनसे टैक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि डॉलर का रेट पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत हाई है, तो उसके लिए फिर और ज़्यादा मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपने सबसे बचना है तो दूसरा आपके पास जो उनसे है ना, एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आपके पास स्टूडेंट कार्ड हो, मतलब मीन्स के ATM कार्ड जो है स्टूडेंट ID पे, ये वो कार्ड है स्टूडेंट ID यूनियन पे, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही बनता है, मीन्स कि आपको अपने स्टूडेंट का मीन्स के जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी हो
उसका आपको अपना कार्ड जमा कराना पड़ता है बैंक में, कुछ मीन्स के उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ये कार्ड मिलता है यूनियन पे। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एचबीएल का आईडी भी लगा हुआ है, मीन्स कि ये स्टूडेंट आईडी जो है एटीएम कार्ड है, और ये यहाँ पे आप यूज़ करें, मीन्स जिस पे आपको बहुत कम टैक्स पड़ेगा। और दूसरा आप ये है कि किसी को आपको मीन्स के हेल्प नहीं चाहिए होगी कि किसी से भी आप पैसे लें या किसी से आप बोलें कि मुझे पैसे चाहिए ये वो, और वो आपसे मीन्स के ज़्यादा पैसे खरीदे, तो इस सब चीज़ों से आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये कार्ड आप बनवा के लाएं। तो थोड़ा ये घर की भी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी क्योंकि अभी अभी मंथ शुरू हुआ है तो पैसे वगैरह निकलवाए हैं, तो ये इसी ग्रॉसरी में यूज़ होने हैं। और ये भाई साहब जो उनसे हमारे डाइट कर रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि मैंने वेट करना है, तो आए देखते हैं जरा इनका क्या वेट चल रहा है। आज आप ये भी देख लें, माशाल्लाह 2 किलो कम हो गया, क्या बात है। तो देखिए अभी मैंने जैसे ही पैसे निकलवाए तो ये लोग जो से है ना मीन्स कि आपको अमीर नहीं देख सकते जरा सा भी। देखिए अभी मैंने पैसे निकलाए मुझे फौरन कह रहे हैं पैसे पकड़ाओ, बात खत्म। मीन्स के जो हमने इधर इकट्ठे करते हैं ना यहाँ पे अपना रेंट वगैरह और सारा राशन के लिए सारा कुछ के लिए, तो वो जनाब कह रहे हैं कि अभी मैं फौरन पकड़ा दो। देखें मीन्स के मेरे पास जो पैसे थे वो फौरन नहीं देख सकते, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये है जनाब कांत का बाजार, कांत बाजार जिसके एग्जांपल हमारे टीचर भी हमें देते हैं कि जब हम क्लास में शोर कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आप कांत बाजार नहीं आए हुए, आप क्लास में बैठे हैं, तो काइंडली खामोश होकर बैठिए। हाँ जी, पैसे निकलवा के मैंने उसको पकड़ा दिया, और अभी हमें बाजार कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है, ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो फिर आपको ग्रॉसरी के बाद मिलते हैं। तो ग्रॉसरी वगैरह का जो सीन है वो आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, जब हम ओवरऑल पूरे मंथ की जो ग्रॉसरी करने आएंगे ना ये कुछ ही दिनों में, तो आपको फिर अगले ब्लॉग में वो सारी शेयर करूंगा कि ग्रॉसरी का क्या सीन है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी चाहिए, कितने में मिल रही है, तो तब शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, तो आज का सीन यही था, मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने पैसे निकलाने थे मैंने सोचा ये चीज़ आपसे भी शेयर कर दूँ, ठीक है थोड़ा गाइडलाइन हो जाएगी। तो बस यही मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फिनिश। चीज़ मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ठोक के दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।